वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बड़े एक अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम इसको हवाले से क्लियर भी करने वाले हैं। पैसे की बात करते हैं, हम हमेशा ज़रूरत है बेसिकली आपकी पैसा होना, लेकिन अब आजकल का दौर की बात कीजिए तो हम बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉन्शियस, क्लास कॉन्शियस और हम ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर इंडक्ट हो गई है ना, हम पैसे से जज करते हैं किसी का करेक्टर, किसी की जो बात करने का अंदाज है या किसी के लाइफस्टाइल को हम देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो असल इंसान है क्या बेसिकली, उसके पास जितना पैसा है। और अक्सर लोग बच्चे ये शिकायत भी करते हैं कि आजकल तरक्की का दारो मदार भी पैसे पे। ये सारी बातें क्या किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अयूब साहब है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? खैरियत? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले अयूब साहब आपसे जानेंगे, पैसा जरूरत है या मजबूरी है? आई थिंक सो, जो पैसा है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और ये एक ज़रूरत है हमें अपने डेली एक्टिविटी के लिए, अपनी सोसाइटी में पैसे है, अपने घर के लिए, एजुकेशन के लिए और अपनी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज के लिए पैसा हमारी ज़रूरत है। बट पैसा यू नो इट्स नॉट अ हैप्पीनेस, मतलब हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। पैसा डेफिनेटली हेल्प, बट पैसे से आप कंफर्ट, सुकून ले सकते हैं? सुकून नहीं ले सकते। पैसे से आप कंफर्ट ले सकते हैं, खुशी नहीं ले सकते। मेंटल पीस जो है, खुशी यू कैन गेट विद योर मीनिंगफुल लाइफ। अगर आपकी लाइफ मीनिंगफुल है तो आप उसके साथ अपनी खुशी ले सकते हैं। और इस तरह जिस तरह हम अपनी जो खुशी है उसको हम पैसे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसी बेशुमार एक्टिविटी हैं लाइफ के अंदर, ऐसे एक्ट हैं कि जो पैसा नहीं है तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो खुशी अवेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम अपनी अगर अपनी सेल्फ मोटिवेशन कर लें तो वी ऑल द टाइम वी हैव अ स्माइलिंग फेस। अगर मैं किसी को स्माइल देता हूँ, किसी के साथ स्माइल जब मुझे रिटर्न में मिलती है तो मुझे एनर्जी मिलती है, मैं अंदर से खुश होता हूँ। इसी तरह जो है, फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी खुशी है जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं, डेट्स अ हग, हग विद योर मॉम। आप इमेजिन करें कि आप मॉम के पास, अपने डैड के पास हग करके और आईज क्लोज करके अगर उसको हग करते हैं तो ये पैसे से नहीं आ सकते। ये पैसे से नहीं, ये तो जो सुकून वाली बात है, ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनको ये नसीब में है। नसीब में है। आप अपने बच्चे के साथ जब हग करते हैं तो वो आपके लिए पैसा उस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये खुशी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और इसकी कोई प्राइस नहीं है, इसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, मैं ये सवाल करूँ क्योंकि आजकल हम बच्चों से भी जब हम अपनी क्लास फेल हो जाए, इन लोगों से डिस्कशन करते हैं तो यार पैसा ही सब कुछ है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्या वही मेहनत नहीं आती है, इन पे लोग आपकी क्लास देख कर आपसे करके, चाहे जिस तरह के भी रिलेशनशिप्स हैं या आपका जॉब क्राइटेरिया है, जो भी आप उसको समझे, हमारे यहाँ नॉर्मली सोच आ चुकी है कि पैसा ही सब कुछ है। हम कितने क्लास कॉन्शियस हो गए कि एक मिडिल क्लास बंदे को भी ये फिक्र होती है कि अच्छा खाने पीने के अलावा अगर कुछ हो तो मेरे पैसों से मुझे जज किया जाएगा, हालांकि वो बेचारा कितनी मुश्किल से गुजर भी सकता है। एग्जैक्टली जी, सोसाइटी ये गलत सोच पे चली गई है और पैसे को ही सारा क्राइटेरिया समझ लिया गया है। और पैसा किस तरह से आया है या वो क्या है, नेगेटिव वे से आया है, हम फिर भी उसको मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जैसे कि हम इस बात से, इस्लाम से भी दूर हो गए, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि आप मेहनत करें और सब्र और ईमानदारी के साथ और उसके बाद मेरे पे बिलीव रखें और मैं आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली दे दूँगा। अगर इतना बड़ा वादा हमारी कुरान मजीद में लिखी हुई आयत से हमारे साथ हो गया है तो अगर हम उससे अपना बिलीव हटा लेंगे तो फिर मुआशरे के अंदर खराबियां भी लाजमी आएंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट सिर्फ पैसे के वाले से करेंगे। अच्छा, क्या वजह क्या है कि लोगों की, हम सब की सोच, इवन मैं अपनी बात करूँ, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में होता है अगर मेरे पैसे इतने होंगे या इतना होगा तो अच्छा मैं मूव कर सकती हूँ, हर एक के माइंड में चीज आती है, क्या वजह है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है हमारी? अब चूंकि हम अपनी तरबियत की बात करें, हमें हमेशा से, हालांकि मैं एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन स्टिल अब मैं जितना टाइम गुजर है हम सबको उसी फिक्र या उसी तगोदौ में लगे कि बस पैसा कमा लें किसी ना किसी तरह। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैटर हमारी फैमिली में अपब्रिंगिंग में है। अच्छा, हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स भी हमें जब
स्टडीज के लिए भी कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि बेटा यू गेट द गुड एजुकेशन देन यू गेट अ गुड जॉब. तो हमें एक्चुअली एजुकेशन जो हमें इंसान बनाना चाहती है, हम इंसान नहीं बनना चाहते, पैसे वाली मशीन बनाना चाह रहे हैं. तो सोसाइटी में इसीलिए इश्यूज आ गए, हम रिश्तों के वैल्यूज को भूल गए हैं. हम इस बात पे अपने आप कोर्ट्स में चले जाएं, 80% केसेस जो हैं हमारे प्रॉपर्टीज और इस तरह के इश्यूज के और फैमिलीज इश्यूज के हैं कि जब हम मॉनिटरिंग को वैल्यूएट करेंगे तो फिर हमारे अंदर दूरियां आएंगी, हमारे से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, हमारे से एक दूसरे का एहसास खत्म हो जाएगा. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी, आप देखिएगा कि बाहर की जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने हैप्पीनेस की पे रिसर्च की है, एक हैप्पीनेस साइंस है और उसके ऊपर उनकी ये रिसर्च है कि ये बॉडी के अंदर एक केमिकल्स हैं, हैप्पी केमिकल्स हैं और इसके लिए आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू सम एक्ट देन योर जो आपके जो केमिकल्स हैप्पी केमिकल्स हैं वो एक्टिव होंगे. तो उसके लिए कोई आप अच्छा एक्ट करेंगे तो यू फील प्लेयर. आप मतलब आप छोटी सी एग्जांपल दे दो, आजकल हैप्पीनेस के लिए मतलब आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि हमारे पास मोबाइल्स हैं और उसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैमरा मिल गया हुआ है जिसके प्रिंट नहीं लेने पड़ते, तो उससे कितनी खुशी होती है. समटाइम जो लोग मतलब ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ एक स्माइलिंग एक्ट के साथ करें तो डजंट, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है. लेकिन हमने अपने जो ये एक्चुअली हमारी फैमिली के अंदर चल रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे बड़ों ने हमें सिखा दिया हुआ है, कहीं ना कहीं हमें ये तरबियत तो दी जाती है कि जितने पैसे हैं उसमें गुजारा करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसमें गुजारा करके ज्यादा वो नहीं करना चाहिए. लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट वेज में वो कन्वे कर ही देते हैं. हाँ, इनडायरेक्ट वे में कन्फर्म कन्वे करते हैं. आई डू एग्री विद यू, बट अगर हम थोड़ा सा इसको इस्लाम जो हमारा मजहब जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है उसके एंगल से भी देख लें तो हमें अपना इत्तेकाद और ईमान मजबूत कर लें और मियाना रवि के साथ अपनी लाइफ को बजाय के अप साइड पे देखें, अपने नीचे देख लें तो शायद हमारी ये सोच चेंज हो जाए. exactly. तो ये चेंज लाने की जरूरत है बजाय अपर साइड पे देखने. देखिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया, एवरीबॉडी इज नॉट इक्वल विद ईच एंड एवरीथिंग. मेरे पास कम माइंड है, आपके पास ज्यादा माइंड है, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं. तो ये जो हसद को भी हमारे मजहब ने हाँ, तो हमें थोड़ा स्टडीज हमें इंसानियत सिखा रही है. इनडायरेक्टली हमारी ये हमारा एक सोसाइटी का ड्रॉबैक है कि हम सोसाइटी में पैसे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए इंस्टेड ऑफ दैट के हम किसी इंसानियत. और अच्छा जनाब, पैसा जरूरत है या मजबूरी, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. आप भी लाइव कॉल्स के जरिए इस टॉपिक का हिस्सा बन सकते हैं. आपसे भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में हमें पैसे की जरूरत है या हमारी मजबूरी बन चुका है पैसा, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं. और इसके लिए हमारे साथ मोहम्मद अयूब साहब भी मौजूद है. अयूब साहब, समटाइम्स हमारी जिंदगी में ना बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं लेकिन जो मोटिवेशन लेवल हर जो स्टेज पर बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एग्जैक्टली ये डेफिनेटली हमारे यहाँ पे एक्चुअली स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रही. जो पैसे का अहम ज़रूरत है, हमें सबसे पहले पैसे की ज़रूरत अपने घर बनाने के लिए ज़रूरत होती है कि हम अपना अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें. उसमें जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ ये इश्यूज़ नहीं है. वहाँ घर बहुत बड़ी बड़ी मोर्टगेजेस के थ्रू मिल जाते हैं. एजुकेशन की वहाँ टेंशन नहीं है, वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ नहीं है. तो हमें सबसे प्रायोरिटीज हमारी सोसाइटी में इन तीन चीजों और इन तीन चीजों में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली कम है. समझते हैं कम है. ठीक हो गया जनाब, हमें यास्मीन बत ने भी ज्वाइन किया है. यास्मीन कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. यास्मीन, आपसे जानना चाहेंगे, मुझे लगता है आप कहीं रोज बंद होने की वजह से थोड़ा दैट्स राइट. रस्ते में एक ट्रक का जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, उसको उठाने के लिए. अच्छा यास्मीन, हम बात करें पैसा जरूरत है या मजबूरी. अब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं क्लास कॉन्शियस, टैलेंट कॉन्शियस, हमारी हर जिंदगी के हर पहलुओं में यही होता है कि पैसा बड़ा जरूरी है. क्या लगता है? आई थिंक देयर इज अ कल्चरल इंपैक्ट. रिसेंटली व्हेन आई वाज इन टर्की, तो मैं 10 दिन वहां पे रही और मैंने इस्तांबुल में नोटिस किया, ऑल्दो इस्तांबुल इज अ टूरिस्ट सिटी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़, और आपको जाके वहाँ पे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, लेकिन मैंने नोटिस किया कि लोगों के घर बहुत छोटे थे. ठीक है, एंड मोस्टली लोग जो है वो सबवेज़ यूज़ कर रहे थे या वो लोग बाय वॉक जाया करते थे या कुछ लोग साइकिल के ऊपर भी जा रहे होते हैं. देर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्स. अच्छा, उसकी दो तीन रीजन्स है. एक तो ये कि देव मेड द इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी फ्रेंडली फॉर पीपल. सबवेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं,
मेट्रो मतलब वहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं, साइड वॉक्स उन्होंने इतने अच्छे बनाए हुए कि पीपल कैन वॉक. यहाँ पे मैं एक गली से दूसरी गली में अपनी गाड़ी के बगैर नहीं जा सकती. वहाँ पे आई यूज टू वॉक समटाइम्स लाइक 20 किलोमीटर्स a day. 5 किलोमीटर के यहाँ से चल के वहाँ चले गए, कुछ खाया, फिर उसके बाद 4-5 किलोमीटर और चले. ऑन एन एवरेज डे आई यूज वॉक ईजिली अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई थिंक लोगों के नीड में इतना बहुत ज्यादा मसला नहीं है. प्रॉब्लम ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट डज नॉट हेल्प देम टू लिव अ सिंपल लाइफ. हां, फ्रेंडली नहीं है इतना कि आप अगर वॉक भी करना चाह रहे हैं वैसे ओवरऑल हम अपनी चीजों को देखें तो वो सारी. एंड दैट्स जस्ट व्हीकल यूज. इसके अलावा जहां तक घरों की बात है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोसाइटीज में घर ही इतने बढ़ गए उनको अफोर्ड करना इतना मुश्किल काम है. इफ यू लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी स्पेशली इन लाहौर तो आई थिंक सबसे छोटा घर भी 5 मरले का होता है. जब आप वहां जाते हैं तो वहां 2.5-2.5 मरले के घर भी हैं. यस, और उनमें कमरे बहुत छोटे हैं, उनमें वॉशरूम्स बहुत छोटे हैं, उनमें ये गैराज वगैरह नहीं बना हुआ, पीछे सहन नहीं बना हुआ, सिर्फ कमरे वगैरह बने हुए. ठीक है, स्टोरेज रूम नहीं है, विच इज़ वाई यू नो लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान रखते हैं. एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो जाके होमलेस लोगों को इधर उधर वो दे देते हैं. ठीक है, अच्छा ये बात बहुत सारे लोग जैसे भी यास्मीन ने कहा यूसुफ के हमारे यहाँ नॉर्मली जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना फ्रेंडली नहीं है. उसके अलावा हमारे माइंडसेट में प्रॉब्लम है. हम लोगों का घर देखकर, उनकी गाड़ी देखकर, हम उनके लाइफस्टाइल को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं. हम ये नहीं देखते कि वैसे अगर उस बंदे ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया होगा उस पर भी हमें उसको अप्रिशिएट करना है. हम घर गाड़ी देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं. ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, अपना शुक्र नहीं करते. हम शुक्र से दूर होते जा रहे हैं. अल्लाह का शुक्र करने से जब दूर होता है तो ये चीज़ें फिर सोसाइटी में जो जेलसी का एलिमेंट होता है जो बहुत बड़े क्या कहते हैं एक डिजीज़ भी है और वो हमारे एक कल्चर में डेवलप हो गई है कि हम शायद जो बड़ी गाड़ी वाला है या बड़े घर वाला है या बड़े बिजनेस वाला उसी को डिस्कस कर रहे हैं सोसाइटी में कि ये इतने शॉर्ट टाइम में इतना. तो ये डिस्कशंस में हमारी सोसाइटी में एक कॉमन हो गया. एग्जैक्टली, ये तो मैंने अभी नोटिस किया कि हमारे डिस्कशंस में भी ज्यादातर वही लोग शामिल होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल बड़े हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं और इस एक असर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी. दैट्स ट्रू. अगर आप हमारे ड्रामे वगैरह देखें तो उनमें इतने बड़े बड़े घर दिखाए होते हैं. आई डोंट थिंक किसी का घर इतना साफ होता है, कोई इतनी तैयार हुई भी उठती है इतनी. उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं. अगर आप उनकी शादियां जिस तरह से वो शादी कर रहे होते हैं, अगर आप उनकी शादियों के फंक्शन देखें तो अच्छा, लेकिन यास्मीन हमारे यहाँ भी एक सर्टन क्लास है जो उस तरह से रहती है. बिल्कुल, बहुत टोटल पॉपुलेशन मे बी 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. मतलब देखा जाए तो हमारी तो आई थिंक लिटरेसी रेट ही है कि 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एक्चुअली मास्टर्स और समथिंग. एक टाइम पे इट यूज्ड टू बी 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटियां भरी हैं तो आप सोचें कि वो जो फिर लिटरेट फैमिलीज हैं उन्हीं में से कुछ चंद वो उस तरह के लोग होंगे. 50% तो हमारे जो है वो दे आर नॉट इवन इंट्रोड्यूस्ड टू लिटरेसी. सो या, सो आई थिंक एक और भी चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान में स्पेशली मैंने तो ज़्यादा लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को देखें. यू नो इन ऑर्डर टू एक्वायर हैप्पीनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास पैसे हो. पैसे के अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है. इवन नेचुरल ब्यूटी भी नहीं है. अगर आप रोड पे निकल जाएं तो आप किसी पार्क में भी जाएंगे तो वहां पे भी टिकट लगी हुई होगी. ठीक है, एवरीथिंग इज टिकेटेड इन पाकिस्तान. मतलब यू कांट जस्ट जनरली एंजॉय. लेकिन अभी मैं इस्तांबुल में थी, दैट वाज माय रीसेंट एक्सपीरियंस. तो वहां पे अगर आपने कुछ भी नहीं करना ना तो यू जस्ट कीप वॉकिंग अराउंड. बॉस्फोरस बीच पे चले जाएं, यू वॉक अराउंड, पार्क्स आर फ्री कम्प्लीटली. Even if you just want to sit in a restaurant, you can sit in a restaurant. You can't, I mean, you don't have to order anything. You just order a glass of water and that will be free. ये जो एपेटाइजर्स होते हैं वो शुरू में जो देखे जाते हैं दे कम्प्लीटली फ्री. यू कैन गो एंड ईट दैट. जैसे अगर आप कॉफी शॉप के बाहर ही उन्होंने चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं. ठीक है, सो आई रिमेंबर कि बारिश हो रही थी तो मैं खड़ी थी तो वहाँ पे एक वेट्रेस खड़ी थी. शी सेड कि हैव चॉकलेट्स. आई सेड आई एम नॉट बाइंग कॉफी हियर. उसने कहा नहीं, फिर भी चॉकलेट जरूर खाओ. अच्छा, मैंने चॉकलेट खा ली. उसने कहा अंदर आके वेट करो, बाहर क्यों वेट कर रही हो. आई वॉज वेटिंग कि बारिश जो है वो एंड हो जाए. तो आई थिंक पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम है कि हर चीज पैसे से आती है तो पैसा तो फिर मजबूरी बन गया. यहाँ तो आपको कपास, आप तो अंदर जाने की बात कर रहे हैं, आपको पास भी ना खड़े होने, पास भी ना खड़े होने दो. तो ये सारा जो सिनेरियो, इसमें हम यही कहते हैं कि हमारे माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है. किस तरह से होगा यार? अच्छा, आई थिंक ये तो एक पूरा का पूरा कल्चरल शिफ्ट आएगा तो उससे जो है वो फिर चेंज आएगा. यू नो मतलब आई बिलीव कि आजकल जो हमारी जिस तरह से यू नो तरबियत हो रही है वो ये है कि अच्छे स्कूल में डाल दो ताकि अच्छा जो है वो अर्न कर सकें. ये मतलब इट्स टूवर्ड्स अर्निंग. सो आई एम नॉट श्योर कि यू नो एक कल्चरल शिफ्ट आ सकते जिसमें कहेंगे नहीं नहीं आपको पैसे ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं. इसलिए क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर दिया तो कल को खुदा ना खास्ता वो बेचारे अपनी ज़रूरतों से महरूम ना हो जाए. एग्जैक्टली.
एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हमें अपने आप की अपनी सोच हैव टू मेक अ सिंपल थिंग्स, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मेरी ये मीडिया के थ्रू सब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कभी भी बच्चों में ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए. देखो वो तुम्हारा कजन कितना ऊपर चला गया, वो देखें आपके मामू किधर चले गए, वो नेबर में किस तरह चले गए, वो उसने लोग क्या कहेंगे, आप इतने पीछे रह गए, आपको ख्याल ही नहीं है ना अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करते हो. मतलब हमें शुड बी सिंपल, जितना कंपेयर किया जाता है फलाना कजन ये हो गया, फलानी दोस्त ने वो कर दिया, आपने क्या किया, भाई हमने जो कर सकते थे कर लिया. हमें अपने बड़ों को, यानी हम बड़े हैं, हमें अपने छोटों के सामने ऐसी कंपेरिजन शीट्स नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए उनको. तो वो उससे उनकी अपब्रिंगिंग जो हो रही है कि अगर उसने कोई बड़ी अचीवमेंट की है तो वो बेचारा उस अचीवमेंट में लगे. यास्मीन हर मंथ अपनी हर मंथ करवाती है, एवरी वीक अपने एक लाफ्टर थेरेपी कराती है. मैंने अटेंड की हुई है, पर्सनली बिलीव के ये इतनी जबरदस्त थेरेपी है लाफ्टर थेरेपी कि आप करेंगे आपको मजा आ जाएगा. यास्मीन आपकी नेक्स्ट थेरेपी कब होने वाली है? इस सैटरडे 20th October 3 to 5 PM एट लम्स. लम्स में लवली लवली, एनीबॉडी कैन कम. हां, एवरीबॉडी कैन कम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी. हमें इस तरह की चेंजिंग लानी है, हमें इवन डैट के हमें इस तरह का रोल सोसाइटी में प्ले करना चाहिए कि हमें मिलके एक फ्री हग डे होना चाहिए. True. बच्चों का, बड़ों का, अपनी क्लास एज में अपना एक एग्जैक्टली हम मिले उसमें, इससे हट के कि ये ड्राइवर है, ये हमारा शेफ है, ये फ्लां है, हर सोसाइटी के बंदे देखें आप में कितनी फीलिंग्स और कितनी एनर्जी आएगी उससे. फिर आप जो एक्ट, आपके एक्ट से कोई खुश हुआ है या किसी ने आपको एक्ट से हैप्पी किया, उसको कम्युनिकेट करें, व्हाट्सएप करें, वी चैट करें, फेसबुक पे करें, और एक ऐसा भी काइंडनेस एक्ट करें कि जहां आपको जाके खुशी हो. और नोटिस ना करें अपनी ड्रेसिंग, डोंट केयर, गाड़ी डोंट केयर, घर डोंट केयर. बस एक मैसेज है कि अपने आप को खुश रखें अपने साथ बात करके. अगर आप अपना डिस्टर्ब मूड में हैं, अब मिरर के आगे खड़े हो जाएं और लॉफिंग करें. एक वीक करें आप देखें, आप बड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी लाइफ. अपने आप को देखकर हंसना कितना मुश्किल काम है यासमीन. और अगर हंसी नहीं आ रही तो भाई लाफ्टर थेरेपी में आ जाएं. वनी थिंग कर लें आप, कोई देखें हमारे अंदर एक हैप्पी केमिकल है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये चीजें करके आप एक्टिवेट करें. आप 8-10 दिन ये एक्टिविटी करें, देखें आपकी जो हैप्पीनेस जो केमिकल्स है आपके ब्लड के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं. यू इस ब्रेक में ना हम ये थेरेपी करने की कोशिश करते हैं और हम एक स्माइलिंग फेस के साथ आएंगे. अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.